गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक से मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना खुद का स्टार्टअप किए हुए हैं, मींस छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं और प्रोजेक्ट लेके सबमिट करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज में हैं और वो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट पाते हैं, जो भी पाते हैं उसको करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें अगर उनको 3ds Max आता है तो उस पर प्रोजेक्ट करते हैं, रेबिट आता है तो उस पर प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं राइट। आप में से ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, प्लस जो नहीं कर रहे हैं वो प्लान कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अच्छी बात है जब सब करते हैं तो फिर क्या टेंशन है। प्रॉब्लम ये आती है गाइज कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती लोगों से, मतलब कैसे लोग आपके टच में रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में डीप डिस्कशन करूंगा कि यार कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको अगर आप करते हो तो थोड़ा मार्केट में आपका प्रेजेंस बनेगा और मार्केट में अगर आपका प्रेजेंस मिलेगा तो आपको काम बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल है आकाश पांडे करके, ठीक है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और लाइफ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस तैयार करता हूं। आप सबसे वहां पे दिल की बातें करता हूं, डेफिनेटली यहां पे भी करता हूं, बट यहां पे टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करता हूं। वहां पर जो भी लाइफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखते हैं वो सारी चीजें करता हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास दो वक्त है, मतलब दो मिनट का वक्त है, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने घरों में शेयर कर देना, क्योंकि घर के जो यूथ होंगे वो देखेंगे तो उनको बहुत लाइक यूजफुल होगा। अब ये कहोगे मैं यूथ नहीं, आप भी हो, आपके अपने भाइयों को भी शेयर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई कैसे काम को लाया जाए मार्केट के अंदर से, तो इस समय सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पहला मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो इस समय सबसे ज्यादा वर्क करेगा गाइज। आप सबको पता है कि 2022 आ रहा है, ठीक है, और आप सबको पता है कि लगभग लगभग कई जगहों पर कॉलेजेस खुल चुके हैं, ठीक है। आप सिंपल सा काम करिए, ठीक है, आप इस समय डायरी बनवा लीजिए। क्या बनवा लीजिए? डायरी। और उस डायरी में अपने फ्रंट पेज पे डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि आपको क्या क्या काम आता है और क्या क्या काम आप करते हो। और जिसने भी कुछ काम कर लिया है वो नीचे काम मेंशन कर दो कि यहां यहां पर हमने, छोटे छोटे फोटोज वहां पर सेव करवा दो कि ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया। तो इस तरीके से आप एक फ्रंट पेज पे बढ़िया सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर दो, ठीक है। अब लोग सर एक डायरी से क्या होने वाला है बताता हूं, रुको। दूसरे पेज पे अपना व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए जो भी आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो शेयर कर दो उनके साथ, ठीक है। कुछ थॉट शेयर करना चाहते हो, कुछ क्यों काम स्टार्ट किया ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हो, या फिर ऑफिस अगर खोले हो तो उसका एड्रेस शेयर करना चाहते हो, प्रॉपर डायरी के पेज नंबर 2 पे ये कर दो। उसके बाद तो फिर भाई जो लाइफ की चीज़ें हैं वो सब सीख करो, थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट डाल दो स्टार्टिंग के पेजेस में, लाइक कैसे कि हम लोग लाइक कोई भी एरिया है तो उसमें प्लानिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है ये डाल सकते हो, वास्तु के रूल डाल सकते हो उसी डायरी के अंदर। मतलब डायरी ऐसी लगनी चाहिए कि एक सिविल इंजीनियर की डायरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस ऐसे, उसके बाद नॉर्मल जैसे लोग यूज करते हैं उस तरीके से। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, मैं बोलूँगा 100 rupees पर डायरी का इन्वेस्टमेंट कर दो। अब बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, रुको। इसके बाद एक पेन बनवा लो, ठीक है, पेन बहुत ही सस्ती मिल जाती है, मतलब उसके से 3 rupees 2 rupees पर अगर आप ऑर्डर करते हो हद है कि 5 rupees में एक बेहतरीन पेन मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलोगे सर आप बड़े कंजूस टाइप की बातें कर रहे हो 5 rupees की पेन, भाई अभी आपका बजट स्टार्टिंग लेवल पे है तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप लॉस में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपके अकॉर्डिंग 5 rupees का पेन और 100 rupees डायरी पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अब करना क्या है, ठीक है, आप सब जिस भी जगह पर रहते हैं उसके आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज डेफिनेटली होंगे, राइट। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के आपको सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टीज के पास जाना है। कहाँ जाना है? सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टीज के पास जाना है और उनको अपनी डायरी सब करना है, ठीक है। उनको बोलना है कि सर हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं तो अपने आसपास जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ हैं हम सबको डायरी गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अपना काम कर रहे हो क्या? नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप उनको डायरी गिफ्ट करिए और उसके साथ ही साथ उनको बोलिए कि सर जो भी लोग हमें प्रोजेक्ट सर्व करते हैं, जो भी लोग हमें प्रोजेक्ट देते हैं उनको हम लोग जो भी हमारी प्रॉफिट होती है उसका 10% शेयर करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो मतलब रिश्वत है, रिश्वत नहीं है, ये वर्क का जो भी वर्क वो कर रहे हैं उसका आपको, आप उनको एक तरीके से गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। तो 10% शेयर करते हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे सामने वाले का इंटरेस्ट बन जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना हमें अगर कोई भी हम इसको काम देंगे तो हमें 10% शेयर करेगा। अब सिविल इंजीनियर्स को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली उनके आसपास ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग 400-500 स्टूडेंट तो रहते ही हैं हर एक डिपार्टमेंट में।
अब अगर 5-6 कॉलेजेस में आपने कर लिया तो लगभग 2000 लोगों तक आपका कंटेंट शेयर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो सर आपके कॉलेज में अगर आपने 5 टीचर्स को दिया है, डेफिनेटली 5-7 टीचर्स तो रहेंगे 5 टीचर को दिया है तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि एक टीचर तो ऐसे जरूर होंगे जो सबको बताएंगे कि यार ये बंदा ने बहुत अच्छा अच्छा देखो यहाँ पर प्लानिंग किया है, मुझे इसने डायरी गिफ्ट किया है। या फिर हम लोग भी अगर याद करो कॉलेज टाइम में अपने टीचर से पूछते हैं सर किसने दिया मुझे भी दिला दो, इस तरह के हम लोग गप्पे मारते हैं राइट। तो वो जब चीज़ें होती है तो उससे क्या होगा, वो बताएंगे कि यार एक अपना बंदा है यहाँ पर उसका ऑफिस है वो उसने ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी जो बातें हैं वो सारे स्टूडेंट्स तक शेयर हो जाएंगी। अब ये केवल स्टूडेंट्स तक शेयर नहीं होने वाली है गाइस, स्टूडेंट्स के घर तक शेयर हो गई आपके कंटेंट, कहाँ तक घर होंगे उनके घर तक। प्लस कोई भी इंसान जो जानता है टीचर्स को वो जानता है यार वो टीचर उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, पता कर लो वो बता देंगे कोई अच्छा डिजाइनर है तो हमारे काम को डिजाइन कर देगा, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप करना चाहते हो उसको भी वहां पे मेंशन करके रखो कंस्ट्रक्शन के काम को भी। आपको इतनी तेजी से ग्रोथ मिलेगी क्योंकि दूसरे कोई भी करोगे, अगर तुम फेसबुक पर करोगे तो वो सबके लिए हो रहा है, इंस्टाग्राम पे करोगे तो सबके लिए हो जाएगा, नो डाउट वो खराब नहीं है, बट ये जो है ना ये आप फेस टू फेस मिलके उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हो। अब रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मत समझना, रिलेशनशिप मतलब एक अच्छा सा उनसे व्यवहार बना सकते हो, उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको रेगुलर काम मिलता चला जाएगा, रेगुलर काम मिलता 100% मैं बता रहा हूं। अगर आपने 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के तरफ घूम लिया तो आपको काम मिलना बहुत आसानी से आ जाएगा, और ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि आपको 2022 आ रहा है, लगभग सभी लोग डायरी गिफ्ट करेंगे, इस समय करने का एक अलग ही मजा है। और साथ ही साथ डायरी के साथ बेनिफिट क्या रहता है कि टीचर दिन भर उस डायरी को यूज करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली अगर डायरी इंप्रेसिव है तो लोग उसको यूज करेंगे, तो याद बनी रहती है कि यार ये बंदा था इसने ये काम करता है और इस तरीके से ये इसका काम है, और ये भी याद रहेगा कि इसने बोला है कि कोई काम रहेगा तो सर 10% दूंगा, तो डेफिनेटली उनको क्या करना है, वो तो टीचिंग कर रहे साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ गई तो सबके लिए ही हेल्पफुल रहता है गाइज। तो ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट है। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली वो सारे लोग अभी कर रहे हैं, फेसबुक पे अपने पेजेस बना लो, क्या कर लो अपने फेसबुक पे और पेजेस बना लो, इंस्टाग्राम पे पेजेस बना लो, पेजेस बना के क्या करो उसमें रेगुलर वे में अपने वर्क को डालते रहो, ठीक है, रेगुलर वे में अपने वर्क को डालते रहो, उससे क्या होता है कि लोग जैसे कि आप रेगुलर डाल रहे हो तो एक दिन फोकस नहीं करेंगे, दूसरे दिन फोकस नहीं करेंगे, तीसरे दिन को धीरे धीरे क्या हो जाएगा फोकस होता चला जाएगा। तो ये दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे से एडवर्टाइज कर सकते हो। तीसरा तरीका थोड़ा सा कॉस्टली है, वो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, अगर आपका बड़ा बजट हो चुका है तो आप कर सकते हो, अगर बड़ा बजट नहीं है तो आप उस तरीके को मत फॉलो करो, बड़ा अगर बजट आपका बन चुका है तो आप छोटे छोटे पंपलेट्स बनवा लो और पंपलेट्स बनवा के पेपर के अंदर एड्स डलवा के उसको शेयर कर दो। हाँ, डायरी वाले में एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ये तो टीचर्स के लिए हो गया, बट एटलीस्ट आप 100 डायरी तो बनवाइए, 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट करिए, और उस डायरी को डायरी के साथ पेन देना मत भूलिएगा, बहुत इंप्रेसिव होता है अगर डायरी के साथ आप पेन देते हैं, तो उस डायरी को उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो आपको लगता है कि ये लोग आगे मेरे क्लाइंट्स बन सकते हैं। लाइक सपोज कोई है कि वो पैसे भी अर्निंग करना स्टार्ट किया है, उसके मन माइंड में प्लानिंग चल रहा है, यार आपके ही रिलेटिव में कोई हो सकता है, उसके माइंड में प्लानिंग चल रहा है कि मुझे खुद का कुछ करना है, तो आप जैसे उसको शेयर करोगे डेफिनेटली उस टाइम पे 2 मिनट अपने बारे में भी तो बताओगे, या फिर अगर आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाया है तो विजिटिंग कार्ड भी दे दोगे, तो एक अच्छी सी रिलेशनशिप हो सकती है आपके उनके साथ, हो सकता है 2-3 महीने में वो एज अ बिजनेस कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप स्प्रेड करते हो तो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, कोई हवा वाली चीज़ें नहीं है गाइस, ये बहुत हेल्प करेंगी आपको, यूज करके देखो, और आप में से अगर कोई कर रहा है तो कमेंट करके बताना। प्लस मेरा ये मार्केटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा, क्या चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे मार्केटिंग के आइडियाज आपके लिए हेल्पफुल बताता रहूं जो आपके लिए यूजफुल हो। और साथ ही साथ ये मुझे मतलब कि एक बच्चे ने मुझे फोन करके कल ही फोन करके पूछा था सर मेरा काम ग्रो नहीं हो रहा है, तभी मैंने उसको ये ट्रिक बताई थी, तो मैंने सोचा उसको ही ट्रिक क्यों आप सबको भी ये ट्रिक शेयर करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज, और इस चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपके पास आता हूँ आपसे मिलने के लिए, तो इतना जरूर करना कि इसके बाद 2-4 लोगों तक शेयर कर दिया करो, शेयर करने से कुछ नहीं होता, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ऐसी क्रांति लाएंगे जो शायद बहुत ही बड़े लेवल की होगी, धीरे धीरे प्रयास होगा, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू की ऑफ सक्सेस डेफिनेटली हम सबको मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।